23 दिसंबर को होने वाली चौधरी चरण सिंह की जयंती आरएलडी इस बार किसान मजदूर जागरण सप्ताह के रूप में मनाएगी, जिसमें आरएलडी नेता आरपी सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष शरद पांडे विक्कू अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेस वार्ता करते हुए आरएलडी नेता आरपी सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार में लोग परेशान हैं, किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकी है, युवा बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पर है, जिससे जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर लोगों को चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। आरपी सिंह ने यह भी कहा कि छात्र संघ चुनाव न होने से अब किसान का बेटा राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है। प्रेस वार्ता करते हुए आरएलडी नेता आरपी सिंह चौहान व जिलाध्यक्ष शरद पांडे ने मीडिया से क्या कहा, आप भी सुने। देखिए, एक तो यह है कि पार्टी ने जिले में नेतृत्व परिवर्तन किया है, तो शरद पांडे जी को जिला अध्यक्ष बना करके पार्टी ने नया दायित्व दिया है, तो उनको भी आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराना एक उद्देश्य था। दूसरा यह है कि 23 दिसंबर को किसान मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हम सबके आदर्श चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है और सरकार भी किसान दिवस के रूप में उसको मनाती है। तमाम राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन अपने अपने तरीके से उनको याद करते हैं। हम लोग चूंकि उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, तो हमारी पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हम लोग किसान मजदूर जागरण सप्ताह के रूप में इसको मनाने का काम करेंगे। इस बीच हम लोग गाँव में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, किसानों के साथ सहभोज करेंगे और उनके साथ जो उनकी समस्याएं हैं उनको समझेंगे और अपनी बात उनके सामने रखने का काम करेंगे। जिस तरीके से आप देखिए कि दवाई पढ़ाई महंगी हुई है लेकिन आम आदमी की कमाई घटी है, तो ऐसे में आम आदमी के सामने समस्या है, किसान के सामने समस्या है, किसान को MSP का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उसी तरीके से जो नौजवान है उसको जो स्थायी रोज़गार मिलना चाहिए, पढ़ने लिखने के बाद उसको लगना चाहिए कि हमको रोज़गार मिला, और जो पे स्केल्स हैं, अगर आदमी का वेतन अच्छा होगा तो उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, और जब लोगों का जीवन स्तर होगा अच्छा होगा तो फिर देश समृद्ध होगा। लोग कमज़ोर हो, देश समृद्ध हो, ये बात समझ से परे है। तो हम लोग किसानों नौजवानों के साथ हैं और हमारी पार्टी किसान एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद के नारे दे करके किसानों नौजवानों के बीच में संघर्ष करने का काम कर रही है। और जिस तरीके से भाजपा के कुशासन से लोग त्रस्त हैं, हमको विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ेंगे और चौधरी साहब की नीतियों पर चलकर हम लोग एक बेहतर सामाजिक और आर्थिक संरचना को डेवलप करने का काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और बाकी अन्य मुद्दे भाई साहब ने बताए हैं, और हमको नई नई उपाधि मिली है जिला सीतापुर की। 2006 से मैं RLD से जुड़ा हुआ हूँ और भाई साहब ने जिस हिसाब से संगठन को मजबूत स्थान दिया है उसी हिसाब से हम संगठन को आगे ले जाने का काम करेंगे। बाकी भाई साहब का आशीर्वाद और संगठन में जो कार्यप्रणाली के सिस्टम जो बना रहेगा उस पर आगे काम करने का काम करेंगे। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी, लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे, 6 नगरपालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला, चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर, निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया, निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद, शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल, वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ, कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।